नमस्कार। कक्षा 12th मिश्र इतिहास का हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है और उसमें हम अभी हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे। हर्षवर्धन के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की और आपको ध्यान में होगा कि हर्षवर्धन के समय ही चीनी यात्री हेवनसांग जो है भारत यात्रा पर आया था और उसने उस समय की भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी स्थितियों के बारे में जो अपने यात्रा वृत्तांत में और अपने ग्रंथों में लिखा। तो आज हम जब हेवनसांग भारत आया था उस समय हर्षवर्धन का ही शासन काल था तो उस समय भारत की जो स्थिति थी उसका हेवनसांग ने किस तरह का वर्णन किया है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हेवनसांग का क्या भारत के बारे में विवरण था। सबको ध्यान में ये चीनी यात्री था। बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य का अध्ययन करने के लिए भारत आया था तो उसने भारत के सामाजिक आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक सभी क्षेत्र का जो है विवरण प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले सबसे पहले भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति यानी जो समाज था उसमें चार वर्ण थे, ब्राह्मण समाज में चार वर्ण प्रचलित थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये जो चार वर्ण थे इसमें जो ब्राह्मण वर्ण था उसका कार्य शिक्षा से संबंधित और धर्म अनुष्ठानों से संबंधित था, क्षत्रिय जो शासन संचालन और सैनिक कार्य करते थे, वैश्य व्यापार से संबंधित कार्य करते थे और जो शूद्र वर्ण था वो कृषि कार्य और तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करता था। और इसके साथ साथ ये तीनों वर्ग जो थे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों ही वर्ण जो थे वो समृद्धशाली थे और इसके साथ साथ ये तीनों ही वर्ण जो थे वो स्वच्छता और रहन सहन का काफी ध्यान रखते थे। और जो ये शूद्र वर्ण जो चौथा वर्ण था वो कृषि कार्य और सेवा कार्य का ही कार्य करते थे। और इसके अलावा समाज में जो है प्याज और जो लहसुन खाने वाले होते थे उनको नगर से बाहर रखा जाता था और अंतर जातीय विवाह का प्रचलन नहीं था, यानी जाति व्यवस्था थोड़ी कठोर थी, अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता था। तो इस प्रकार अंतर जातीय विवाह नहीं होते थे और जो समाज के जो लोग थे वो सात्विक भोजन करते थे और जो भी मांस मदिरा प्याज लहसुन का जो उपयोग करने वाले होते थे उनको नगर से बाहर रहना पड़ता था। तो इस प्रकार ये चार वर्ण थे और जाति व्यवस्था का प्रचलन था। सामाजिक जीवन के बाद
आर्थिक स्थिति भारत की कैसी थी उस समय उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति में भारत की भूमि उपजाऊ थी, व्यापार समृद्धशाली था। ठीक है, आंतरिक है विदेशी व्यापार का प्रचलन था, सोने चांदी के सिक्के वे कौड़ियां मुद्रा के रूप में प्रचलित थी। यानी मुद्रा के रूप में सोने चांदी के सिक्के और कौड़ियों का उस समय चलन था। व्यापार आंतरिक और बाह्य, मतलब आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार दोनों ही प्रचलन में थे, और भूमि उपजाऊ थी और व्यापार भी समृद्धशाली था और जो लोगों का जीवन था वो भी समृद्धशाली था। उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, यानी कृषि उपज का 1/6 भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था। कपड़े का व्यापार सबसे अधिक उन्नत था उस समय, व्यापार सबसे उन्नत था। सूती रेशमी वस्त्र व गरम मसालों का निर्यात होता। सूती रेशमी वस्त्र और गरम मसालों का निर्यात होता और उसके बदले में घोड़े और सोने चांदी का जो है आयात किया जाता था। और इसके अलावा जो ताम्र लिपित भड़ोच और पाटलिपुत्र जो थे वो व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, और ताम्रलिपित और भड़ोच जो है प्रमुख बंदरगाह भी थे। और इसके अलावा चीन और मध्य एशिया से हमारे व्यापारिक संबंध थे, यानी भारत के उस समय चीन और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे इस प्रकार। और इसके साथ साथ जो गाय थी उसको पूज्य माना जाता। धार्मिक जीवन, यानी ह्वेनसांग जो भारत आया था तो उस समय भारत के धार्मिक जीवन की क्या स्थिति थी।
हेमंतसान जब भारत आया था उस समय ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है प्रचलन था, और इसके साथ साथ सभी धर्मों में जो है मूर्ति पूजा का प्रचलन था। और सभी संप्रदायों को ध्यान देना भी, सभी धर्मों में एक तो मूर्ति पूजा प्रचलित थी और इसके अलावा सभी जो संप्रदाय थे उनको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, और इसके अलावा राजा और प्रजा दोनों ही धर्म सहिष्णु थे, यानी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। और इसके अलावा जो ब्राह्मण धर्म था उसमें यज्ञ अनुष्ठान प्रचलन में थे, और गाय को जो है उस समय आदरणीय मानकर उसकी पूजा की जाती थी। तो हेमंतसांग जब भारत आया था तो उस समय भारत की धार्मिक स्थिति इस प्रकार से थी। तो इस प्रकार हमने आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब रहा है राजनीतिक स्थिति उस समय की कैसी थी। ऐसे तो हमने हर्षवर्धन का शासनकाल पढ़ लिया, तो हमें ये सब बातें तो जानकारी में, फिर भी हेमंतसांग ने जो अपना विवरण प्रस्तुत किया तो उसने किन किन बिंदुओं को सम्मिलित किया, इसलिए हमें अलग से पढ़ना पड़ रहा है। राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में कि जो शासन पद्धति थी उसमें जनता के हित के अनुसार ही जो है नियम बने हुए थे। शासन पद्धति जनता के हित के अनुसार थी, शासन संबंधी नियम प्रजा हित के अनुसार थे, राज्य का धन शासन संचालन कर्मचारियों को वेतन देने योग्य वे
विद्वानों को पुरस्कार देने तथा दान में खर्च होता था। आज का दिन ठीक है, हर्ष वर्धन की शासन में व्यक्तिगत रुचि थी, इसलिए वो अपने शासन काल में एक दिन को तीन कार्यों में विभक्त करता था कि मुझे एक दिन में कम से कम ये तीन कार्य करने हैं। यानी एक तो अपने शासन के संचालन पर ध्यान देना, इसके अलावा नगर का निरीक्षण करना यानी नगर भ्रमण का कार्य करना, और इसके अलावा उसे लगता था कि अगर मेरे बनाए हुए कोई राज्य के नियम कानून जनता के हित में नहीं है तो जनता से सीधा संपर्क करना। तो इस तरह वो निरीक्षण यात्राएं करता था और उसकी व्यक्तिगत रुचि थी शासन के संचालन में। और इसके साथ साथ हर्ष का जो दंड विधान था यानी जो अपराधियों को सजा देने का जो कार्य था वो भी बहुत ही सरल दंड विधान था। ज्यादा शारीरिक और मानसिक यातनाएं उन्हें जो है नहीं दी जाती थी। ज्यादा से ज्यादा अपराध साबित होने पर उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया जाता था या जुर्माना लगा दिया जाता था। और इसके अलावा जो कानून थे वो सबके लिए समान थे, सभी के लिए समान कानून व्यवस्था प्रचलन में थी। अब हम जब हर्ष हैंडसम भारत आया था तो उस समय की शिक्षा पद्धति कैसी थी वो भी हमने पढ़ ली। उस समय शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे वल्बी और नालंदा, और इसके अलावा अनेक गुरुकुल आश्रम और विहार जो थे वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और राजा जो था वो ज्ञान और शिक्षा का संरक्षक था, और उसने कुछ गांव और जो धनराशि है वो शिक्षा के खर्च के लिए ही, ताकि शिक्षा का संचालन हो सके इसके लिए वो गांवों का दान भी शिक्षण संस्थाओं को करता था। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया है कि हर्ष जो था वो धर्म और शिक्षा का संरक्षक था। वो अपनी आय का आधा भाग धर्म और शिक्षा में खर्च करता, और अकेले शिक्षा का ले तो अपने राजस्व का 1/4 भाग है वो शिक्षा संचालन में खर्च करता था। तो इस प्रकार उसके समय में शिक्षा की प्रगति हुई। नालंदा जो थे शिक्षा का वल्बी और नालंदा प्रमुख केंद्र थे, और इसके अलावा बहुत सारे जो है गुरुकुल आश्रम और विहार भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और इसके साथ साथ जो ब्राह्मी लिपि है उसमें ब्राह्मी लिपि उस समय प्रचलन में थी। तो इस प्रकार हमने हेमंतसांग ने जो अपने यात्रा वृत्तांत में जो भारत का विवरण प्रस्तुत किया उसकी जानकारी प्राप्त कर ली। इसके बाद है हर्षवर्धन का मूल्यांकन, यानी हर्षवर्धन एक महान शासक, कला और धर्म का संरक्षक था। उसकी सारी उपलब्धियों को हमने पढ़ लिया है, उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मतलब उन्हीं उपलब्धियों का ही वापस विश्लेषण है कि किस प्रकार वो एक महान शासक था। तो सबसे पहले कि जैसे ही वो पुष्यपुत्र वंश का शासक था तो उसने पुष्यपुत्र वंश के शत्रुओं से और हूणों से जो है अपने समय में भारत के साम्राज्य की जो है रक्षा की। और इसके अलावा उसने एक बड़ी सेना का जो है गठन किया। जब वो शासक बनता है तो आपको पता होगा उसकी सेना में कितनी कम संख्या में जो है घुड़सवार और पैदल सैनिक थे, और कैसे उसने अपनी सेना का जो विस्तार किया। तो एक बड़ी सेना तैयार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, तो इस प्रकार और शत्रुओं का दमन करना, तो वो एक महान शासक था। इसके साथ साथ हर्षवर्धन जो था वो धर्म और कला और साहित्य का संरक्षक था। इसके उदाहरण भी हमने देखे कि धर्म का संरक्षक था तो उसने महान कनौज और जो प्रयाग सम्मेलन सभाओं का जो आयोजन किया था जिससे ये साबित होता है कि वो धर्म का संरक्षक था। और उसने शिक्षण संस्थाओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके लिए धन खर्च किया, तो वो शिक्षा का भी संरक्षक था। और इसके साथ साथ उसके दरबार में कई विद्वानों को उसने संरक्षण दे रखा था। तो इस प्रकार वो धर्म कला और ज्ञान का संरक्षक था। और इसके साथ साथ उसने प्रयाग सम्मेलन में वो अपने
पांच साल में जितनी भी उसकी राज्य की आय होती थी वो हर पांच वर्ष उस प्रयाग सम्मेलन का आयोजन करता और जन कल्याण के लिए अपना सारा धन जो है वो गरीबों में बांट देता और धर्म संरक्षण में लगा देता था। तो इस प्रकार वो एक महान दानी था, इसलिए उसकी तुलना जो है करण से जो है की जाती है। तो इस प्रकार वो महान कला साहित्य और धर्म का संरक्षक भी था। इसके साथ साथ उसने जो है लोक कल्याण के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। तो वो प्रजा हित के बारे में सोचने वाला शासक था और प्रजा से वो सीधा संपर्क भी स्थापित करता था और गांव के विकास में भी उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार सातवीं सदी का एक महान शासक था हर्ष, जिसने कला धर्म साहित्य शिक्षा सबको संरक्षण प्रदान किया और इसके हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी अपना योगदान दिया। उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और बहुत सारे जो धर्म प्रचारक थे उनको विदेशों में भी भेजा और उसके शासन काल में व्यापार भी अपनी उन्नत अवस्था में था और व्यापारिक जो समृद्धि थी वो भी अच्छी थी और जनता भी समृद्धशाली थी, क्योंकि जो हर्षवर्धन था वो लोक कल्याण के सारे कार्य कर रहा था। तो इस प्रकार एक महान और कला प्रेमी शासक था हर्षवर्धन। तो इस प्रकार सातवीं सदी का एक महान शासक था आर्य त्रिपाठी ने उसकी तुलना अशोक और समुद्रगुप्त से किए। जिस तरह अशोक ने लोकहित के बहुत सारे कार्य किए थे, एक प्रजापालक शासक था, और समुद्रगुप्त ने जो था वो साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध था, तो ये दोनों गुण हर्षवर्धन में थे। तो इस प्रकार वो एक महान शासक था और अपने युग में उसने नवीन प्रवृत्तियों को जन्म देने का और अपने साम्राज्य की प्रगति के वर्धक बहुत अच्छे प्रयास किए और इस प्रकार वो थोड़ा कम सफल हो पाया। तो इसके लिए उसकी हम ये नहीं कह सकते कि वो एक अयोग्य शासक था या उसकी अयोग्यता के कारण कुछ बात कार्यों में त्रुटि रह गई थी। हर्षवर्धन ने अपने युग की धाराओं को परिवर्तित करने और नवीन प्रवृत्तियों को जन्म देने का प्रयास किया, लेकिन उनमें वो कुछ कम सफल हो पाया। तो इसमें हम उसकी अयोग्यता नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी प्रवृत्ति के लिए कोई एक व्यक्ति किसी भी प्रवृत्ति के उत्थान या पतन के लिए कोई एक व्यक्ति या एक युग जिम्मेदार नहीं होता। तो इस प्रकार जो सातवीं सदी का हर्षवर्धन एक महान नायक था, एक वीर योद्धा था, विद्या अनुरागी, कला प्रेमी और साम्राज्य के निर्माता के रूप में एक महान शासक था और सभी विद्वान उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार हर्षवर्धन एक महान हिंदू सम्राट था। अब हम अगले वीडियो में चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिणी भारत के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। हमने इस स्वर्णिम पृष्ठ में जो है हमारा भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है, उसमें उत्तर भारत के जो महान शासक हुए थे जिनके शासन काल में कला धर्म साहित्य संस्कृति धर्म मतलब आर्थिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र यानी प्रत्येक क्षेत्र में जिस काल में उन्नति हुई वो स्वर्णिम काल कहलाता। तो हमने मौर्य काल, गुप्त काल, ऐसे तो गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है, लेकिन फिर भी मौर्य काल में हर्षवर्धन के काल में भी इन सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई थी। तो उत्तर भारत के शासकों के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम दक्षिणी भारत के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में भी पढ़ेंगे जिनके काल में भी इसी तरह जो है हर क्षेत्र में प्रगति हुई थी।